रांची से आ रही है, जहां रांची में कांग्रेस भवन में बैठक में नोकझोंक हो गई और नोकझोंक के बाद मीडिया के सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव मीडिया पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि हर परिवार में झगड़ा होता है, कांग्रेस भी एक परिवार है, इससे ज्यादा तूल देने की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया। आपको यह पूरा मामला बता देते हैं कि रांची में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई और यह नोकझोंक हंगामे में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। यह घटना उस वक्त घटी जब कांग्रेस भवन में कांग्रेसी नेता महंगाई को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। इस बीच हंगामे होता देख कांग्रेस नेता आलमगीर आलम भवन से बाहर निकल गए। रहे हैं आप, दिखा के दिखा दीजिए हमको, सबको दिखाइए कि कहां गलियां चली हैं। कल कहिए गोलियां चली, गालियां चली, ये सब मत करने कीजिए। आप अपनी स्वतंत्रता का गलत क्या बोलेंगे इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग बोल देवघर में बाइक सवार तीन अपराधियों ने इंडियन ऑयल अकाउंटेंट को गोली मारकर 9,61,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं आनन फानन में किंग शुक सामता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल जुबली पेट्रोल पंप से पैसे वसूल कर SBI बैंक से जमा करने जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नौकरी की नियुक्ति को लेकर TGT पास छात्रों ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि परीक्षा सफल होने के बाद फाइल ट्रांसफर नहीं होने की वजह से उनकी नियुक्ति रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री उनकी समस्या को जब तक समाधान नहीं करते तब तक वो आवास पर ही डटे रहेंगे। फंसे हुए हैं हम लोग, 5 साल से इस वैकेंसी में फंसे हुए हैं। 5 साल में एक सरकार का शासन काल खत्म हो जाता है। 2016 की ये वैकेंसी है और आज 2021 आ गया, आज हम लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सर। 4-5 साल इस वैकेंसी के लिए हम लोग तैयारी किए, क्वालिफाई किए, मेरिट लिस्ट में नाम आया, उसके बाद भी हम लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। अभी मैंने कार्मिक सचिव से बात की है और कार्मिक सचिव ने यही बताया कि स्कूली शिक्षा से कोई फाइल आई थी, उस पर कुछ क्वेरी करके और वापस भेजा गया, ऐसा कुछ स्पष्ट जानकारी उन्होंने भी नहीं दिया और उन्हें भी जानकारी पूरी तरह। बोकारो रेलवे स्टेशन पर चढ़ाने आए रेल यात्री के पिता का पैर फिसलने से मौत हो गई। मृतक अपने बेटे को ट्रेन पर चढ़ाने आया था और पैर फिसलने से उसका पैर कट गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। GRP के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 का निवासी था। घटना है श्रीमान, 4 बजे पुरुषोत्तम गाड़ी में, मतलब हम एक नंबर में थे, 2 नंबर में पुरुषोत्तम था। उसके बाद में घटना स्थल के बाद बहुत आदमी भीड़ लग गए, तो भीड़ लगने के बाद वहां पर गए, वहां पर देख रहे हैं कि कोई आदमी का पैर कट गया है, तो वहां से हम उठा के हॉस्पिटल। पलामू जिले के देवरी में संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला हुसैनाबाद के देवरी का है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाईबासा जिले के टेबो थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया था और अब इस मामले में पुलिस ने खेती करने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि अवैध अफीम के फसल को नष्ट कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने छापेमारी कर दल का गठन किया है। वहीं छापामारी दल में पुलिस नरक्षक चंद्रशेखर कुमार सहित सशस्त्र बल मौजूद थे। बोकारो जिले में फाइलेरिया और मुंडन को लेकर आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत सदर अस्पताल सभागार में बोकारो के उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद में दवाई खाकर की। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रेणु भारती समेत कई डॉक्टर मौजूद थे। इस दौरान उप विकास उपायुक्त जय किशोर प्रसाद ने कहा कि जिले को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए यह अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। आज बोकारो जिला में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 22 से 27 फरवरी तक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो हम लोग सदर अस्पताल बोकारो में प्रारंभ किए हैं। सभी लोगों ने गोली खाकर ये प्रारंभ किया है और ये कार्यक्रम सभी प्रखंड में MOIC CDPO BDO CO सब
सरायकेला खरसावा बीजेपी जिले कमेटी के ओबीसी मोर्चा का एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आदित्यपुर होटल मधुबन में आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रधान के नेतृत्व में नई कमेटी का विस्तार हुआ। नए कमेटी में चार उपाध्यक्ष में संतोष मंडल, रामरतन महतो, रामू महतो, जगत किशोर प्रधान को मनोनीत किया गया है। अपना प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ के पूरे जिला कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें महामंत्री संतोष कुमार साहब और जीत वाहन मंडल, दो आदमी को महामंत्री बनाया गया, चार आदमी संतोष मंडल, रामरतन महतो, रामू महतो और जगत किशोर प्रधान उपाध्यक्ष, और इसी तरह चार मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, पूरे जिला का विस्तार किया गया और 20 मंडल पड़ता है क्षेत्र में, 3 विधान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।